हरिद्वार में कांग्रेसी नेता अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के विरोध में आ गया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने दो दिन पहले कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के बयान की निंदा करते हुए उन्हें अंजाम भुगतने की बात तक कह डाली, जिसके बाद नाराज कांग्रेसी नेताओं ने रविंद्र पुरी के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी। आज हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नाराज कांग्रेसी नेताओं ने रविंद्र पुरी को पद से हटाने की मांग की। हालांकि इस मामले में महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। कुछ लोग मामले को बेवजह तुल दे रहे हैं। नदीन सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। देखो, अंजाम ये था कि अगर आप जो है कि अगर आप हमसे माफ़, इसको जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं उसका मतलब था हम आपके ऊपर FIR करेंगे, मकसद ये था मेरा। उन्होंने मेरे खिलाफ ही 10वीं FIR की है, वो उल्टा हो गया। मैंने ये कहा था भाई कि अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। अंजाम क्या था, मैं तुम्हारे लिए FIR करूँगा, वो उल्टा हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर FIR कर दिया। तो मुझे जो रवि भादुर से कोई नाराज़गी नहीं है, कोई कुछ नहीं, बाकी ये पॉलिटिकल व्यक्ति है, ये सब चलता रहता है बस। विचारधारा को लेकर के वहाँ पे संत समाज की छवि के बीच रूप में अपने आप को अंदर रख कर के और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो काम ना करें। उसके लिए हम लोग आम जनता के बीच में भी जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारे संत किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस प्रकार की विचारधारा को, वो झूठी विचारधारा को समाज के बीच में उस भगवा भेजने के लिए उस भगवा कपड़े का, उस भगवा रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक है। अरे रविंद्रपुर जी महाराज ने एक बवाल खड़ा कर दिया, उनको खुली धमकी दी, दलितों को अपमान करने की बात करी। इसके खिलाफ जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक आपराधिक भाषा में बात करी, 24 घंटे के अंदर या तो मुझसे माफ़ी मांगे अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार हैं। वो अंजाम की परिभाषा क्या होगी उसके खिलाफ हमने कल तहरीर थाने में भी दी थी और उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। आज हम प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहते हैं कि ये तो यदि या तो माफ़ी मांगे, अपनी भाषा को वापस लें, अन्यथा जो कुकर्म उन्होंने कर रखे हैं, जैसे जैसे कर्म उन्होंने कर रखे हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस